बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त वो दिल्ली के शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के कविता के लिए आज अहम दिन है। के कविता की जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत पर सुनवाई होनी है। इससे पहले भी हालांकि के कविता जमानत के लिए अर्जी लगा चुकी हैं, राहत की उम्मीद कर चुकी हैं, लेकिन कोशिशें नाकाम रही हैं। एक बार फिर से आज जमानत याचिका को लेकर सुनवाई का दिन है। एक तरफ ईडी और सीबीआई दोनों ही जमानत का विरोध कर रहे हैं और अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के भीतर पेश की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ के कविता की तरफ से एक बार फिर से आज कोशिश जमानत को लेकर रहेगी। ऐसे में कोर्ट पर निगाहें सभी की रहने वाली हैं। हालांकि अब चूंकि अंतिम फेज का ही इलेक्शन बचा है, ऐसे में अब जो लोग जेल के भीतर हैं उनके पास ये एक्सक्यूज भी नहीं है कि चुनाव चल रहे हैं तो प्रचार के लिए टाइम दीजिए या फिर राहत दे दीजिए। के कविता का आज होगा क्या, ये देखना वाकई दिलचस्प रहने वाला है। के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ये तय करने वाला है कि के कविता को राहत मिलती है या फिर आफत बरकरार रहेगी। के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई और ईडी और सीबीआई के जरिए एक बार फिर से कोशिश रहेगी कि राहत ना मिले। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अलग अलग बड़े फेसेस इस शिकंजे में आ चुके हैं, ये कहिए कि मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो कि 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में के कविता की कोशिश भी जमानत को लेकर हो रही है। पिछले ही दिनों मनीष सिसोदिया की याचिका पर भी सुनवाई हुई थी, हालांकि राहत उन्हें नहीं मिली थी। अब के कविता की जमानत याचिका पर निगाहें बीआरएस की भी हैं, क्योंकि बीआरएस के नेता हैं के कविता, और इंडिया अलायंस का भी इस पर रिस्पॉन्स धीरे धीरे सामने आएगा। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, हालांकि के कविता की ओर से ये कोशिश वक्त वक्त पर की गई है कि राहत कुछ मिल जाए कोर्ट से जमानत को लेकर, आज कैसी उम्मीदें लग रही हैं और किस वक्त सुनवाई है? देखिए, सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब सुनवाई होगी रचना, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले जैसे हालात रहे नहीं, क्योंकि इस मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल करने का मतलब ये हो गया कि अब अदालत को इस पर संज्ञान लेना है। संज्ञान लेने की भी तारीख तय नहीं हुई है। अदालत संज्ञान लेगा कि कविता को बुलाएगा, यानी राहुल द्विवेदी को, एक लंबी प्रक्रिया होगी। हालांकि के कविता की तरफ से ये जरूर आज अदालत में कहा जा सकता है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है, लिहाजा उन्हें जो जमानत है वो दे दी जाए। लेकिन यहाँ पर जो ईडी और सीबीआई, इन दोनों के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग दलील है। पहली दलील ये है कि के कविता बेहद प्रभावशाली महिला है। दूसरा, अगर जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है। तीसरा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। चौथा, इस मामले में यानी दिल्ली आबकारी नीति मामले में अब तक 174 पोल जो है वो डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। इसके अलावा पांचवी अहम बात, के कविता जो है वो साउथ लॉबी की किंगपिन है, ऐसे में उनकी जमानत नहीं दी जा सकती। तो बड़ा मुश्किल है, मुझे लग नहीं रहा है कि राह अब इतनी आसान होगी चार्जशीट दाखिल होने के बाद, क्योंकि अमूमन ये होता है कि चार्जशीट जब दाखिल हो जाती है तो जो मुख्य गवाह होते हैं अभियोजन पक्ष के, पहले उनके बयान दर्ज हो जाते हैं, उसके बाद अदालत जमानत पर विचार करती है। राहें मुश्किलें हैं, लेकिन उम्मीद है, देखना होगा क्या होगा। उम्मीदों पर अब के कविता भी हैं और उम्मीद क्या पूरी होती है या फिर क्या झटका लगता है कोर्ट से, इस पर निगाहें हमारी बनी हुई हैं। आशीष, आप रहिएगा, अगली खबर विभव कुमार से जुड़ी हुई है, उस पर